Hello guys, welcome to this channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I'm back with another video. And this video is quite a fictitious video. क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं एक डॉग के लिए या फिर किसी भी पेट के लिए. And yes, let's carry on with this video. तो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी नॉलेज आपको मिल सकती है ऑन द नेट फ्रॉम द पीपल और उनके एक्सपीरियंसेस से वो आप गैदर कीजिए. एंड द मेन थिंग हियर इज प्लीज फोकस ऑन दिस फैक्ट यू आर स्टेपिंग इनटू अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड क्योंकि आपका जो पेट होता है वो सिर्फ आप पे डिपेंड होगा. कुछ भी चीज़ होगी या नहीं होगी उसको ऑल द फीड एंड हैबिट्स यू हैव टू टेक इट टू द वेट और वो सब चीज़ें वो आप पे डिपेंड करेगा. इसलिए यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ. आगे जाके कुछ भी ऐसा चांस नहीं आना चाहिए कि आपको लगे कि आपने गलत किया है या यू हैव टू गिव योर पेट अवे या डॉग अवे. सो प्लीज ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा. Basically, this pet world or this pet keeping hobby is a very big or vast hobby. तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और इसकी दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. तो आपको इस चीज़ को अच्छे से यू नो यू हैव टू स्टडी अबाउट इट. देन चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द नॉलेज एंड ऑल द फैक्ट्स. तो आपको यहाँ पर चूज करना है आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और जस्ट पेट की रिक्वायरमेंट्स आपके हाउस अवेलेबिलिटीज से मैच करती हैं. यू शुड कीप दैट ताकि आगे जाके आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और उस पेट को या उस डॉग को भी कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड हेयर अ पेट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ डॉग कैट फिश इगुआना बर्ड और एनीथिंग. और उसके बाद डीपली और ज़्यादा स्टडी कीजिए इस चीज़ के बारे में. Then you'll be able to shortlist the pets that you can keep very easily. And yes, pets can be kept very easily in a very comfortable manner. तो आप उनको रख सकते हैं. कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है पेट रखना. अगर आपने सही पेट चूज़ किया है तो yes, you can keep them very easily. So yes, let's move on to the other point. And this can include vet visits, you know, foods and preparing the enclosure. अगर आपका पेट बहुत छोटा है like a mice or mouse or hamster or whatever, anything like that, तो आपको उसका enclosure एक setup बनाने के लिए आपको you'll be needing some amount of money. तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि आप उसको अच्छे से अच्छा environment दे पाएं. Because I'll tell you guys, let's take the example for my dogs. डॉग्स पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि उनका एक मेडिकल शेड्यूल होता है जिसमें आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है, उनको वेट के पास लेकर जाना होता है और वैक्सीनेशंस काफ़ी ज़्यादा लगवाने होते हैं. प्लस काफ़ी लोग डॉग फूड्स भी देते हैं तो डॉग फूड्स पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है. शेयर पिक्चर्स एंड वीडियोज विद योर पेरेंट्स. तो यस, फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से शुरू होता है आपका पार्ट जो कि आपके पेरेंट को इफेक्ट करेगा, जो कि उनके माइंड को भी इफेक्ट करेगा. और पॉजिटिवली अगर हम इस चीज़ को देखें तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा पेट रखने के लिए. तो यहाँ पर शेयर कीजिए जितने भी आपको वीडियोज़ अच्छे वीडियोज़ यू नो अच्छे वीडियोज़ जितने भी वीडियोज़ आपको मिलते हैं, कितने भी अच्छे फ़ोटोज़ मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो भी अच्छी नॉलेज उनके बारे में है, शेयर ऑल ऑफ दैट विद योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए. पर ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप अपने मम्मी पापा को ये नहीं बताएंगे कि आप वो पर्टिकुलर पेट लाने वाले हैं. फिर आपको उनके साथ इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करनी है और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आप उनके साथ शेयर कीजिए इन अ वेरी सॉफ्ट एंड ईजी मैनर. पर उनको ये मत बताइए कि आप उनको लाने वाले हैं. उनके यू नो उनके माइंड में देयर बी अ पॉइंट, उनके एक पॉइंट डेवलप हो जाएगा जहाँ पर एक सॉफ्ट कोर होगा उस पेट के लिए या फिर उस एनिमल और फिश और व्हाटएवर, उस एनिमल के लिए एक सॉफ्ट कोर हो जाएगा. क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड होती है, काफ़ी नफरत होती है पेट्स से. तो इट्स वेरी कॉमन. मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी थी रेप्टाइल से. यू कैन यू नो सी माय इगुआना. तो पर आप बिल्कुल नहीं है बिकॉज आई हैव शेयर्ड एम्पल ऑफ नॉलेज विद देम. बट कीप दैट इन माइंड कि आप ये चीज़ ना शेयर करें अपने मम्मी पापा से कि आप सोच रहे हैं उस पेट को घर लाने के लिए. जस्ट शेयर द इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक दैट. उनको भी थोड़ा स्ट्रेंज फील होगा बट डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट कीप शेयरिंग एंड यस इट विल वर्क. इट विल डेफिनेटली वर्क. आई एम टेलिंग यू.
now you have to share the positive points with your parents, and please involve only the positive points. Positive points of keeping a pet in your house or in your home, or positive points of keeping that particular animal. And I would recommend ki agar aap negative points thode kam hi share kare apne parents ke saath, kyunki wo hatred ka, you know, that can be a reason for that. To aap ye cheez try kijiye, this will actually may work. या तो आप अपने घर पर अच्छे से इन योर फैमिली या बैठ के बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि आप उसको अच्छे से लाना चाहते हैं, और एल्स देयर इज आल्सो अ थिंग, अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझते हैं, तो यू कैन गिफ्ट दैट टू योर पेरेंट्स. लाइक एनिवर्सरी है उनकी, तो देन यू कैन गेट दैट पेट एंड गिफ्ट इट टू योर पेरेंट्स. सो दिस इज हाउ यू कैन हैव दैट पेट इन योर हाउस ऑल्सो. This is a very secret technique, and yes, it is a very risky technique. So please do that only when you know, have that in your mind ki aap itne bahut zyada responsible hain or you can take care of it very well. I'll tell you guys, jab main Thiasa ko laya tha, I did not tell anyone. Maine kisi ko bataya nahi tha ghar mein. I just brought her like that, and when everybody saw her, they were actually very shocked. बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे मेरे घर वाले, बट दे डिड नॉट टेल मी एनीथिंग. सो दे एक्चुअली डिड नॉट से एनीथिंग, एंड आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल. लाइक आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, सो आई हैव टू टेक देम फॉर द वॉक्स टू टाइम्स अ डे, एंड यू नो यू हैव टू फीड देम टू टाइम्स अ डे और थ्री टाइम्स अ डे. सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और आपको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होगा ताकि आपके पेट को भी कुछ ना हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, दीज वर ऑल माई पॉइंट्स जो कि मेरे दिमाग में है और जो कि मैं चाहता था आप लोगों को बताना. सो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू सपोर्ट मी और यू वांट टू ट्राई दिस, एंड प्लीज कमेंट अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेट जो कि आप लाना चाहते हैं. सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज टेक केयर.